जोधपुर एसडीएम प्रियंका विश्नोई का निधन हो गया है। बड़ी खबर ये कि सुबह एम्स में पोस्टमार्टम के लिए शव को लाया गया था। परिजन और विश्नोई समाज अब धरने पर बैठ गया है। शव उठाने से समाज के लोगों ने इनकार कर दिया। दोषियों को सजा की मांग की जा रही है। वसुंधरा अस्पताल पर दरअसल लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं, विश्नोई समाज लगा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। जोधपुर एसडीएम प्रियंका विश्नोई की मौत हो चुकी है। सुबह एम्स में पोस्टमार्टम के लिए शव को लाया गया था। परिजन और विश्नोई समाज अब धरने पर बैठ गया है। साफ तौर पर यह कहना है कि हम शव नहीं उठाएंगे, तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। समाज के लोग इनकार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि दोषियों को सजा मिले। दरअसल यहां पर विश्नोई समाज और साथ ही एसडीएम के परिवार का आरोप वसुंधरा अस्पताल पर लगा है, लापरवाही का आरोप लगा है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये पूरा मामला जो है आरएएस प्रियंका विश्नोई की जो मौत हुई उससे जुड़ा हुआ मामला है। करीब 15 दिन पहले वसुंधरा अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया था। उनके बच्चेदानी में कोई गांठ थी जिसका ऑपरेशन करने के बाद वो होश में नहीं आई, जिसके बाद जब दो दिन उन्हें नहीं होश आया तो उन्हें तुरंत यहाँ से रेफर करके अहमदाबाद ले जाया गया। इलाज के दौरान कल रात उन्होंने जो है अंतिम सांस ली। इसके बाद विश्नोई समाज में इस मामले को लेकर आक्रोश है और विश्नोई समाज आज एम्स के बाहर मोर्चे के बाहर धरने पर बैठ गया है। उनकी मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके प्रॉपर जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो विश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया, उन्होंने इस मामले की जांच जो है सीबीआई से करवाने तक की मांग कर डाली है। इसके अलावा जिस तरह से उनका आरोप है कि वसुंधरा अस्पताल में जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसमें लापरवाही बरती गई, जिसके चलते प्रियंका विश्नोई जो है वापस हाउस में नहीं आ पाई, और इस आरोप के साथ जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से समझा इसके लगातार प्रयास जारी है। वहीं जिला कलेक्टर ने 4 दिन पहले इस मामले को लेकर एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों की एक कमेटी है जो इस मामले की जांच कर रही है, और संभवतः आज इस कमेटी द्वारा जो है इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन द्वारा उठाई जाएगी। जी चंद्रशेखर, जब यहाँ पर कमेटी भी बना दी गई है, जांच भी हो रही है, परिजन फिर और क्या चाहते हैं? उनको क्या समझाने बुझाने के लिए वहां पर प्रशासनिक टीम मौजूद है? जी निश्चित तौर बात की तो मौके पर जो है समझाइश के लगातार प्रयास जारी है, लेकिन विश्वास समाज और परिजनों का कहना है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, जांच चल रही है, जब जांच चल ही रही है तो एफआईआर दर्ज करने में क्या हर्ज है? उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है, और चूंकि यहाँ अस्पताल से जोधपुर से रेफर करने के बाद अहमदाबाद में भी जब पहुंच के आया था तो प्रियंका के ससुर ने जिला कलेक्टर को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें गंभीर आरोप जो है डॉक्टर्स और अस्पताल के खिलाफ उन्होंने लगाए थे, जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया था। और आज बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महत्वपूर्ण ये भी होगा देखना कि कमेटी की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। इन सबके बीच में यहाँ पर परिजन कह रहे हैं कि सबसे पहले लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और इसी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं परिजन। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। इंदिरा सर्कल से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। सिटी थाना तक अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार भी मौके पर मौजूद है। गौरव पथ निर्माण से पहले पालिका ने अभियान की शुरुआत की। कोर्ट के आदेश पर NH-62 पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार पीला पंजा चलता हुआ प्रशासन का ये एक्शन। अतिक्रमण के खिलाफ इंदिरा सर्किल से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। सिटी थाना तक यहाँ पर इस हिस्से को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि गौरव पथ निर्माण से पहले पालिका ने अभियान शुरू किया और ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। NH-62 पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। कोटा से बड़ी